नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से गांधी सेतु के दोनों लेन पर सरपट भागेंगी गाड़ियां। मिस इंडिया में छाएगा बिहार के सौंदर्य का जादू। रिटायर्ड दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक की होगी बहाली। IRCTC ने बढ़ा दी बुकिंग लिमिट। खरीफ मौसम में 11,000 हेक्टेयर में लगेंगे नए बाग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से गांधी सेतु के दोनों लेन पर सरपट भागेंगी गाड़ियां। गांधी सेतु पर आज से जाम की समस्या का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब गांधी सेतु के दोनों लेन पर सरपट गाड़ियां दौड़ने वाली है। करीब 6 साल में सेतु के सुपर स्ट्रक्चर को बदलकर इसे नया स्वरूप दिया गया है। गांधी सेतु पश्चिमी लेन का सुपर स्ट्रक्चर बदलकर इसे जून 2020 में चालू कर दिया गया था। अब 7 जून से नए पूर्वी लेन पर भी वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। दोनों लेन पर निर्बाध रूप से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाने के बाद पटना से हाजीपुर का सफर आसान हो जाएगा और करीब 6 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। रिटायर्ड दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक की होगी बहाली। बिहार में अब रिटायर्ड दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार ये बहालियां संविदा के आधार पर होगी। खबर के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर बहाली संविदा पर शुरू कर दी है। यानी कि अब बिहार पुलिस से रिटायर हुए पुलिसकर्मियों को फिर से सेवा देने का मौका दिया जा रहा है। खबर के अनुसार पुलिस पदाधिकारियों की लगातार घटती संख्या के कारण थानों में बड़ी संख्या में कांडों के लंबित रहने, विधि व्यवस्था संधारण में आ रही परेशानियों को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले ASI से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को नियोजन का मौका मिलेगा। ध्यान रहे, इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जून है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके काम से जानते हैं। मांझी द माउंटेन मैन, उन पर एक फिल्म भी आ चुकी है। मांझी बिहार के गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट कर एक सड़क बना डाली। इस चेहरे के बारे में नहीं जाना मतलब इतिहास के एक बड़े और खूबसूरत चैप्टर को आपने मिस कर दिया है। मिस इंडिया में छाएगा बिहार के सौंदर्य का जादू। बिहार की बेटियां आज के समय में अलग अलग क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। अब बिहार की बेटियां मिस इंडिया से बिहार का नाम रोशन करने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार के रहने वाली काजल रानी का सिलेक्शन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हुआ है। काजल मिस इंडिया के लिए चुनी गई देश की उन 31 लड़कियों में शामिल है जो अपनी ब्यूटी और ब्रेन से प्रतियोगिता की शान बढ़ाएंगी। बताया गया है कि ये पहली बार होगा जब बिहार से किसी लड़की को मिस इंडिया के अंतिम 31 के लिए चुना गया है। मूल रूप से पटना के एक बिजनेसमैन की बेटी काजल इससे पहले बिहार में हुए मिस पटना में दूसरे स्थान पर रही थी। बिहार में शुरू हुई नेशनल पेंशन की तैयारी। रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अलग अलग जगह निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच अगर कुछ हो जाए तो फिर आश्रितों का क्या होगा, ये सोच सोच कर आप भी परेशान होते होंगे। लेकिन अब बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के परिजनों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जहां कमेटी अपनी रिपोर्ट जून के अंत में राज्य सरकार को सौंपने वाली है। इसके साथ ही नए बदलाव को लेकर मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों को आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी 173 लोगों की समस्याएं। बिहार की नीतीश सरकार जनता की फरियाद को सुनने के लिए ही जनता दरबार लगा रही है। इसी के तहत बीते दिन भी जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने सभी लोगों की शिकायतों को भी सुना। खबर के अनुसार इस दौरान सीएम नीतीश ने कुल मिलाकर 173 लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई, जिसको सुनने के साथ ही सीएम नीतीश ने तुरंत ही एक्शन लेने का आदेश भी जारी किया है। IRCTC ने बढ़ा दी बुकिंग लिमिट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराते हैं तो अब आपको एक महीने में अधिक टिकट बुक कराने का मौका मिलेगा। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एक यूजर आईडी से मैक्सिमम 12 टिकट बुक कराने की सीमा को बढ़ाकर 24 टिकट तक कर दिया है। रेल मंत्रालय की 6 जून की विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार को अपनी वेबसाइट ऐप पर आधार से लिंक नहीं होने वाले यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा को बढ़ाकर 12 टिकट कर दिया। वहीं आधार से लिंक आईडी पर एक महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक करने की सीमा 24 टिकट तक बढ़ा दी गई है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने जूनियर रेजिडेंट के 194 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBBS, BDS या प्रासंगिक विषय में समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 17 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aims.edu पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। श्रावणी मेले की शुरू हुई तैयारी। 2 साल के बाद अब आने वाले महीने में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर ही भागलपुर से लेकर देवघर तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी हो रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को भी नए सिरे से व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर हाल ही में खुद SDRM सुजीत कुमार पहुंचे थे। इस दौरान ही SDRM ने विभाग के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान SDRM सुजीत कुमार ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर श्रावण मेले से जुड़े कागजात की जांच पड़ताल की और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। दक्षिण बिहार में अगले 2 दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। दक्षिण बिहार में अगले 2 दिनों तक आम लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिहार के दक्षिणी भाग में पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण तपिश भी बढ़ी है। वहीं उत्तर बिहार में पूर्वा हवा की मजबूत स्थिति बनी हुई है, इसके प्रभाव से तापमान में भी अंतर देखने को मिल रहा है। दक्षिणी भाग में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर है, जबकि उत्तरी भाग में पूर्वा के कारण मौसम सामान्य है। हालांकि इन सब के बीच प्रदेश के 10 जिलों के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। इन जिलों में गुरुवार तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में अब चीनी मिल की जगह खुलेगी कपड़ा मिले। बिहार में अब जल्द ही चीनी मिल की जमीन पर कपड़ा मिल खुल गई है। राज्य भर की बंद चीनी मिलों की 2,500 एकड़ जमीन को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जानकारी अब उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि बिहार की टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी को 8 जून को बिहार में लागू किया जा रहा है। इसको लेकर बीते दिन मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बंद चीनी मिल की जमीनें इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दी गई है। लगभग 2,500 एकड़ जमीन को ट्रांसफर किया गया है। 1,719 एकड़ जमीन मेगा टेक्सटाइल पार्क में मिल गई है। खबर के अनुसार इसमें सीएम नीतीश भी शामिल होने वाले हैं। बिहार झारखंड के बीच चलेंगी 5,000 बसें। बिहार और झारखंड के बीच जल्द ही 5,000 बसों का परिचालन होने वाला है। खबर के अनुसार इनका परिचालन दोनों राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच होगा। बिहार में ऐसे 200 रूटों की पहचान कर ली गई है, जहां से बसों के परिचालन की संभावना होने वाली है। इसको लेकर बिहार के परिवहन विभाग ने बस मालिकों से आवेदन मांगा है। बस मालिकों को 13 जून तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। विभाग की ये कोशिश सफल रही तो आने वाले दिनों में झारखंड बिहार के लोगों को काफी सहूलियत होगी। बस मालिकों की तरफ से दिए गए आवेदन पर 30 जून को राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में विचार होगा। इस बैठक में बस मालिकों को बस चलाने के लिए परमिट दिया जाएगा। बिहार में अब छात्राओं को 50,000 देने के प्रावधान में हुआ बदलाव। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं को 50,000 रूपये तक की राशि दी जाती है, लेकिन आने वाले समय में राशि तो दी जाएगी, लेकिन अब इस योजना के नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत ही स्नातक पास छात्राएं अब प्रोत्साहन राशि यानी कि 50,000 रूपये पाने के लिए अपने कॉलेजों में आवेदन नहीं करेंगी, बल्कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अगले महीने से ऑनलाइन आवेदन करेंगी। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने विश्वविद्यालयों में सत्यापन के लिए आवेदनों के लंबित रहने या फिर देर से होने के चलते ये व्यवस्था की है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहारियों की भी होगी गिनती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने जनता दरबार के आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार के जो लोग बाहर में रहते हैं उनकी भी गणना की जाएगी, उनके बारे में भी पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना सभी को ध्यान में रखकर की जा रही है, सभी के विकास के लिए किया जा रहा है, इसमें किसी की उपेक्षा नहीं होगी। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में पूछे गए सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि किसी भी चीज का सिर्फ कानून और बना देने से हल नहीं निकलता, ऐसा काम होना चाहिए कि लोगों का स्वभाव ही उस तरह का बन जाए। खरीफ मौसम में 11,000 हेक्टेयर में लगेंगे नए बाग। राज्य सरकार फसल उत्पादन के साथ अब उद्यानिक फसलों के भी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने लगी है। इस साल खरीफ मौसम में 11,025 एकड़ में नए बाग लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार किसानों को फलदार वृक्षों का पौधा मुफ्त में देगी। जल जीवन हरियाली योजना के तहत यह अभियान चलेगा। खास बात यह है कि नए बागों के लिए चयनित हर प्लॉट में पौधों का रोपण वैज्ञानिक तरीके से होगा। साथ ही पूरा अभियान जिलों के वैज्ञानिकों की देखरेख में चलेगा। बागों की सिंचाई के लिए नई स्प्रिंकलर विधि की व्यवस्था होगी। सरकार ने इसके लिए जरूरी मशीन पर अनुदान देने का फैसला पहले ही कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस बार बिहार के 3 शहरों में होगी खास तैयारी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार में स्कूली छात्र छात्राएं सामूहिक योग में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर बिहार के 3 शहर का चयन भी कर लिया गया है। इसमें ही पटना के अलावा गया और राजगीर का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इसमें केंद्रीय विद्यालय के अलावा कई अन्य स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के 5000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। ज्ञात हो कि 21 जून तक सभी स्कूलों में गर्मी छुट्टी खत्म हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के 2 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है। राजद उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में राजद ने जहां सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिन राजद की तरफ से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। सबसे पहला और खास नाम पार्टी के साधारण कार्यकर्ता मुन्नी रजक और उनके साथ साथ राजद के युवा नेता कारी शोएब और अशोक पांडे ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता को लालू यादव ने जब विधान परिषद भेजने का फैसला किया तो हर तरफ इसकी खूब चर्चा हुई। खुद को विधान परिषद भेजे जाने से पहले मुन्नी देवी का हाल ही में का वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सदन में पहुंचकर धोबिया पाठ में सबक सिखाने वाली बात भी कही है। बिहार के 33 जिलों में चलेगा तंबाकू से मुक्त कराने का अभियान। बिहार के सभी जिलों के शिक्षण संस्थानों को तंबाकू से मुक्त कराने के लिए जल्द ही एक बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत करने वाला है। वर्तमान समय की बात करें तो 5 जिलों में शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए अन्य जिलों में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की तैयारी है। विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूलों में चलाए गए अभियान के दौरान विद्यार्थियों के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी कराई गई, उनके बेहतर परिणाम मिले और पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के शेष बचे 33 अन्य जिलों में इस अभियान को प्रारंभ करने का फैसला किया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, उम्मीद है कि जल्द ही ये भी साफ हो जाएगा। पटना के नीचे दबा है पाटलिपुत्र, जल्द आएगा बाहर। पटना अपने साथ कई विविधताओं को समेटे हुए है, यही कारण भी है कि इसका इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पटना के नीचे पाटलिपुत्र के अवशेष दबे हुए हैं, उनको बाहर लाने की कवायद शुरू होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कानपुर IIT के विशेषज्ञों ने पटना के नीचे पाटलिपुत्र के अवशेषों को तलाशने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर अब जल्द जमीनी स्तर पर शुरुआत तो होती दिखी गई, साथ ही साथ जगह को चिन्हित किया गया है। आने वाले दिनों में खुदाई का काम किया जा सकता है। सीएम नीतीश ने सामूहिक खुदकुशी पर जताई अपनी शोक संवेदना। समस्तीपुर में एक ही परिवार के सामूहिक खुदकुशी के बाद से बिहार की नीतीश सरकार घिरी हुई है, क्योंकि कर्ज के बोझ के तले परिवार की जान जाना बेहद ही दुखद है। इस मुद्दे पर जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में एक ही परिवार के सामूहिक खुदकुशी केस की जांच कराने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ये जानना चाहता है कि आखिर पूरे परिवार ने जान क्यों ली। जैसे ही इसकी सूचना उन्हें मिली, उन्होंने अपने अफसरों से इसके बारे में पूछा। बता कि सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की शिकायत सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान ही समस्तीपुर के मऊ गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की आत्महत्या करने की बात पर उन्होंने दुख जताया है। झारखंड पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, 8 जून को होगी पेशी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पलामू पहुंच चुके हैं, जहां वो पहले तो चियांग की हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से उतरे और सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे हैं। योजना के अनुसार 3 रात कलाम ऊपरी सदन में गुजारेंगे। वो बुधवार को पलामू कोर्ट में पेश होंगे और बाद में पटना के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। मंगलवार को लालू यादव का कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण लालू प्रसाद यादव की निगरानी के लिए डॉक्टर्स की एक टीम सर्किट हाउस में तैनात की गई है। इलाज के लिए लालू ने CBI कोर्ट से मांगी बाहर जाने की इजाजत। अपनी सेहत को लेकर परेशान और विवादों में उलझे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जल्द ही जहां एक मामले को लेकर उन्हें कोर्ट में पेश होना है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो खबर आ रही है जिसके अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने CBI की विशेष अदालत से पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट इस मामले पर अब 10 जून को सुनवाई करेगा। हालांकि लालू यादव के करीबी राजद के बड़े नेता इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पारिवारिक मामला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लालू फिलहाल चारा घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेर शाह सूरी ने 1540 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। भारत की तरफ से नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय 2006 में लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से 2008 में समाप्त घोषित कर दिया। पहले विश्व कप का पहला मैच 1975 में भारत इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में खेला गया। भारत
के दूसरे उपग्रह भास्कर एक को 1979 में सोवियत संघ के बियर्स लेक से छोड़ा गया। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की 1631 में जान चली गई। फखरुद्दीन अली अहमद की जान जाने के बाद से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती का निधन 2002 में हुआ। भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म 1974 में हुआ। इस समय से यूएई में होगा इंटरनेशनल लीग T20 का आयोजन। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी T20 लीग का पहला सीजन अगले साल आयोजित होगा। ECB ने इसे इंटरनेशनल लीग T20 का नाम दिया है। इस T20 लीग का पहला सीजन 2023 में 6 जनवरी से 12 फरवरी तक खेला जाएगा। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी और ये T20 लीग फ्रेंचाइजी बेस्ड है। अबुधाबी, दुबई और शारजहा के 3 मैदानों पर कुल 34 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का ऐलान करते हुए इंटरनेशनल लीग T20 के आयोजकों ने कहा कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोलकाता नाइट राइडर्स, केप्री ग्लोबल, GMR, लॉन्सर कैपिटल, स्पोर्ट्स लाइन, ब्रॉडकास्टर जी और अन्य सभी हितधारकों का यूएई की नई T20 लीग में स्वागत करता है। अब सेफ हुआ व्हाट्सएप चलाना। आज के समय में व्हाट्सएप चलाना आम बात है। हर किसी के पास आज व्हाट्सएप मौजूद है, जिसे लोग चैटिंग का काम करते ही है। अब जल्द ही आपका व्हाट्सएप अकाउंट पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप लॉगिन प्रोसेस को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर जोड़ने के लिए काम कर रहा है। यह नया फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर के लिए उपलब्ध होगा। दरअसल अब यूजर को अकाउंट में लॉगिन करने पर डबल वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। इस फीचर के बारे में व्हाट्सएप ट्रैकर WAB इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है शत्रुघ्न बैठा, नुनु कुमार, राहुल राज, मिनिस्टर PKS, अभिषेक रजक, मिंटू कुमार, रवि यादव, जितेंद्र कुमार, सृष्टि साक्षी। अपने जवाब हमें इसी तरह कमेंट करके बताते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आपके जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? अपने जिले के नाम और घूमने की जगह का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।